व्हाट इज द मिस विद अस, हम कहां कहां गलत हैं, हमसे कहां कहां गलती होती है, हम कहां कहां चूक करते हैं, कहां कहां चूकते हैं, ये लेसन है। आवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, हमारा राष्ट्र है वो बुद्धिजीवियों का, इंटेलेक्चुअल मानी होता है बुद्धिजीवी। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ ए शीर पैट्रियटिज्म, केवल हम यही नहीं कह सकते कि हम देशभक्त भी हैं, देशभक्ति के साथ साथ हम बुद्धिजीवी भी हैं। स्टडीज एट होम एंड एब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, घर पे अध्ययन किया है, विदेश में अध्ययन किया है, यह अध्ययन ये बताता है। नॉट लॉन्ग एगो ए स्टडी वाज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ दिस नेशन एक्सीलेंट एंड इंटेलिजेंस। ब्रिटिश की एक स्कूल के अंदर एक अध्ययन में यह पाया गया है कि कौन से देश के बच्चे ज्यादा बुद्धिमान है। यह एक अध्ययन किया गया था, एक सर्च किया गया था, एक रिसर्च किया गया था। इट वॉज डिस्कवर्ड, उस अध्ययन में यह पाया गया दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव ऑफ द अदर कंट्रीज, यह पाया गया कि भारतीय नागरिक हैं, भारतीय स्टूडेंट हैं, भारतीय लोग हैं, वो दूसरे देशों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, कहीं ज्यादा बुद्धिमान है पूरे विश्व में। इफ दैट इज द ट्रूथ, व्हाई आर वी लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, अगर ये बात सत्य है तो हम दूसरी महान शक्तियों से पीछे क्यों छूट गए, दूसरे महान शक्ति से पीछे हम क्यों रह गए, जब हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नागरिक विश्व में दूसरे देशों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, तो फिर हम सुपर पावर से पीछे क्यों रह गए। व्हाई देयर इज अ बैंडन फ्रॉम आवर कंट्री टू द अदर एफ्लुएंट नेशंस, क्या इसका यह कारण है कि हमारे देश के अधिकतर बुद्धिजीव हमारे देश से पलायन करके दूसरे देशों में जाकर बस गए और अपना काम वहां शुरू कर दिया, क्या ये कारण है। व्हाई आवर इंपोर्ट सक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स, और हमारा निर्यात है वो आयात से कहीं कम क्यों है। व्हाई वी लुक टू डेवलप नेशंस फॉर हेल्प, हम लोग विकासशील देशों पर क्यों निर्भर हैं, हेल्प विकासशील देशों से मदद क्यों लेते हैं। वेयर वी आर ए मिस, कहीं न कहीं तो हम अनुचित हैं, कहीं न कहीं तो हमसे कोई कोई गलती हो ही रही है, कहीं न कहीं तो हम किसी न किसी पहलू में तो कमजोर हैं। सेंस ऑफ डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी प्रगति शून्य के बराबर है, प्रगति तो हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं। द बातानागल डैम, बिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टेट प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेट आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं वो है बातानागल डैम, बिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट और तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर। राइटर ये कह रहा है कि हम भी दुनिया में काफी आगे हैं, हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, उनमें से मुख्य रूप से यह है बासानागल डैम, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंडर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन नेगलेक्टेड, हम ऊंची उपलब्धियां पाने के चक्कर में छोटी छोटी बातों को भूलते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को भूलते जा रहे हैं। ए एफ स्कूमर वॉज नॉट रॉन्ग वेन ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक विचारक है जिसका नाम है ई एफ स्कैमचर, उसने अपने शीर्ष में कहा है कि छोटी छोटी चीजें सुंदर होती हैं बजाय बड़ी चीजों के,
बहुत सी छोटी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी चीजों से कहीं ज्यादा सुंदर होती हैं। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनको लोग छोटा समझकर अनदेखा कर देते हैं, वो छोटा नहीं है। जैसे पहला has hampered our glory, और यही छोटी छोटी चीजों को हम अनदेखा करते हैं, यही हमारी शान शौकत में बाधा बन जाती है आगे चलकर। नंबर फर्स्ट है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, हमारे साथ सामाजिक व्यवहार। हियर वी आर एट द लोएस्ट एज, अभी हम बहुत निम्न स्तर में हैं, हमारा जो सामाजिक बिहेवियर है वो अभी बहुत ही निम्न स्तर का है। इट मे बी ए जर्नी और वॉक, भले ही हम यात्रा कर रहे हैं या घूम रहे हैं, ए फीस्ट और फेयर, किसी डाउट में जा रहे हैं या किसी मेले में जा रहे हैं, और ए मीटिंग या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, और ए गैदरिंग या हम सामाजिक लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, ए सीरियस स्टडी और ए लेजर आवर, मोस्ट ऑफ अस एक्सिबिट क्रैश इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक कॉमन डिसेंसेस। तो इस दौरान हम लोग हमारी जो मानवता की शालीनता होती है, इस शालीनता को अनदेखा कर देते हैं और मनमर्जी का बर्ताव लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, देखिए हम कहां कहां हमारे सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए हैं। नॉइज पॉल्यूशन, जैसे कि नंबर फर्स्ट में आता है नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज हमारी एज मेड फॉर रिसीविंग साउंड्स ऑफ अ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स, मानव के जो कान हैं वो एक निश्चित डेसिबल तक की आवाज को सुनने में सक्षम है। अगर इस डेसिबल से ऊंची आवाज हमारे कानों में जाएगी तो वो हमारे लिए घातक है, बहरे हो सकते हैं हम, पागल भी हो सकते हैं हम, या रास्ते कर सकते हैं। Some received beyond that measures would not only to be jarring but also damaging to our hearing sense organs. अगर एक सीमा से ऊपर डेसिबल की आवाज अगर आ रही है तो ये केवल हमें परेशानी नहीं करती है बल्कि हमारे सुनने की क्षमता के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकती है। How many of us take care of this? इसमें हम लोग किस प्रकार से ध्यान रखें? It may be a TV program, हमारे घर में TV program हो सकता है, वॉल्यूम पूरा खोल दिया, धड़ाधड़ बज रहा है, वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक है। और ये रेडियो ब्रॉडकास्ट या रेडियो सुन रहे हैं तो उसका वॉल्यूम पूरा खोल देते हैं तो ये नॉइज पॉल्यूशन में शामिल होता है जो हमारे लिए हानिकारक है। प्लेइंग ए टेप रिकॉर्ड या फिर टेप लगा देते हैं उसका वॉल्यूम पूरा खोल देते हैं। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, एनी इंस्ट्रूमेंट की तरह दूसरे भी हो सकते हैं, डीजे वगैरह, बैंड वगैरह, इवन ए वर्शिप, यहां तक कि एक ग्रुप में बैठकर हम गपशप लड़ाते हैं, ठाका मारते हैं, वो भी अगर डेसिबल रेंज से, निश्चित डेसिबल रेंज से ऊपर आवाज है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और चिट चाट इन ए कंपनी या फिर हम एक साथ बैठते हैं तो बातचीत करते हैं, बातचीत भी ऊंची आवाज में करते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच, इन सभी आवाज को हम ऊंची आवाज में सुनते हैं। वी मे बी यूज टू इट बट व्हाट अबाउट वाज लिविंग अराउंड अस, जब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं इसमें हो सकता है कि हम खुद तो खुश हों लेकिन पड़ोसी पे भी विचार कर, क्या पता किस रोग से पड़ोसी पीड़ित है, आपकी आवाज उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है, उसको जान, उसकी जान भी ले सकती है आपकी ऊंची आवाज, उसका भी ध्यान रखो। अब नेवर्स में भी एक सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो सकता है, रात दिन पढ़ाई करने वाला हो सकता है, आपने डीजे खोल दिया अपने कमरे में, उस बच्चे का क्या होगा, उसका भी ध्यान रखो। और सिक पर्सन
या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित भी हो सकता है और पेशकर्मी देंगे या शांति प्रिय आदमी भी हो सकता है जो शांति चाहता है अपने सरो तरफ। अगर आपने ऊंची आवाज में रेडियो या टीवी खोल दिया हो, शांति प्रिय आदमी का क्या होगा, उस मरीज का क्या होगा, उस सीरियस स्टूडेंट का क्या होगा? आप तो इंजॉय ले रहे हो, आप तो खुश हो रहे हो कि इतने वॉल्यूम में मजा आ रहा है, लेकिन उनका क्या होगा? यह हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है जिसको हम छोटी मान रहे हैं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। Have you ever thought of him? कभी हमने अपने पड़ोसी के बारे में कभी सोचा है? How much attention do we care to him? हम जो हमारे पड़ोसी है ऐसा काम करते हैं, ऊंची वॉल्यूम में रेडियो टेप बजाते हैं, तो उसके लिए कितनी नुकसानदायक बात है। The never speaker person or a cool temperament does not require us। हो सकता है हमारा पड़ोसी है वो ठंडे दिमाग का आदमी है और हमसे लड़ना नहीं चाहता, हमसे लड़ना नहीं चाहता है। और सफर इन साइलेंस द पुअर फेलो शक्स द विंडो एंड डोर्स एंड पुट कॉटन इन हिज इयर्स टू रिड्यूस टू इंपैक्ट ऑफ हाई पिच नॉइज। बेचारे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ऊंची ध्वनि ऊंची आवाज को न सुना जाए इसलिए वो अपने कानों में रुई लगा लेते हैं, अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो शांत प्रिय बच्चे आपसे झगड़ा कर लेगा। When shall we learn the simple civic sense? हम कब हमारे समाज के कुछ सेंस हैं उनको कब समझेगी? It may be a marriage ceremony और any other function। हमारे घर में कोई भी शादी का समारोह हो सकता है या दूसरे कोई भी समारोह हो सकते हैं, और रिचुअल और प्रेयर हमारे घर के अंदर कई प्रकार की पूजा पाठ भी होती है। There is generally a fashion show of hiring loud speaker। ये हमारे समाज की एक फैशन बन गई है कि हम ऐसे अवसरों पर लाउड स्पीकर लाते हैं और उनको पूरा वॉल्यूम खोल देते हैं, पूरा शहर धड़कने लग जाता है। To be used to be loud being engaged in band or other means of producing sound। और हम इस प्रकार के प्रोग्राम्स के अंदर डीजे लाते हैं या बैंड लाते हैं, उनको पूरी आवाज में खोल देते हैं, ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है, ये हमारे सामाजिक व्यवहार के खिलाफ है। The pitch is kept so high that the sensitive beings get shocks। और ध्वनि की आवाज इतनी ज्यादा ऊंची कर दी जाती है कि हमारी जो सुनने की तंत्रिकाएं हैं वो रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इवन द स्टोन और ब्रिक ऑफ अ बिल्डिंग स्टैक एंड दैट, यहां तक कि आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है लाउड स्पीकर की कि हमारी बिल्डिंग भी हिलने लग जाती है, पत्थर भी कपकपाने लग जाते हैं। तो हमारे कान तो बड़े सेंसिटिव हैं, उनमें तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इंप्रेशन इज गैदर दैट द बिल्डिंग मे कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस। यहां तक कि ये जो डीजे साउंड है या बैंड साउंड है इनकी आवाज से यहां तक कि बिल्डिंग भी ध्वस्त हो सकती है। तो हमारे कान तो बहुत सेंसिटिव है। The vehicle, especially the trucks, जैसे ट्रक हैं, magnum, unbearable, even the drivers blow the horn, जिस प्रकार से ट्रकों के ड्राइवर हैं, वो हॉर्न ऊंची आवाज में बजाते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक हैं। Incidentally, and that too often, without any reason, बिना किसी कारण के ड्राइवर्स हैं, वो ट्रक के हॉर्न लगातार बजाते रहते हैं, जो हमारे लिए असहनीय होता है, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। The noise pollution is because of the lack of civic sense। ये noise pollution हमारी स्वयं की कमी के कारण होता है। हमारे विचारों में कई प्रकार की कमियां होती हैं, इसलिए हम noise pollution पैदा करते हैं। And can the social behavior mask the sensitivity of the people at a large and affects our efficiency? और ये noise pollution है वो हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करती है, हमारे सामाजिक behavior को
खराब रखती है, सामाजिक बिहेव को खराब करती है। जिस प्रकार आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे देश के लोगों में बहुत बड़ी कमी है, वो नॉइज पॉल्यूशन को महत्व देते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को महत्व देते हैं, जो हमारी कमी है।